और 3D जैसा आप देख सकते हो अरेंजमेंट है, छोटा सा क्लासरूम है। कॉलेज के कोई स्टूडेंट मिले जो पास आउट हो चुके। तो आपका नाम क्या? दर्शित। सर आपका? अमीशा। अमीशा आपका? आयुषी। आयुषी वॉक करते करते अगर किसी को रीडिंग करना है तो वो भी रीडिंग कर सकते हैं। मस्त एटमॉस्फेयर अच्छा है। तो भाई हम गार्डन में आ गए एलडी के, आप देख सकते हो मस्त। और यहाँ पे एलडी का लोगो जो भी बोल सकते हैं नेमिंग दिख रहा है। हम भी जोरदार है, बारिश आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो एलडी कॉलेज के भाई क्लासरूम बहुत गजब की है। और भाई एसी वाला सिस्टम भी है, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड और यहाँ प्रोजेक्टर भी है, और 3D जैसा आप देख सकते हो अरेंजमेंट है। छोटा सा क्लासरूम है, बहुत सही है, मेरे को इसका कॉन्सेप्ट सही लगा। तो क्लासरूम देखो, यहाँ से लास्ट बेंचर क्या व्यू दिख रहा है ब्लैक बोर्ड का, आप देख सकते हो। यहाँ पे बैठो मस्त और लेक्चर अटेंड करो, फिर बोर हो रहा है खिड़की में देख लो थोड़ा। तो आपका गुजरात यूनिवर्सिटी ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड था कि यार वीडियो बनाओ और कॉलेज कर में। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की भाई बहुत फेमस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, एलडी आर्ट्स कॉलेज का मैं आज रिव्यू ले आया हूँ और उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ है भाई एलडी कॉलेज के ही बहुत ही अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सही बंदा है चिराग देसाई। तो चिराग भाई एलडी कॉलेज में आप पढ़े हो, तो आप बताओ जरा एलडी कॉलेज के बारे में थोड़ा। हेलो एवरीवन, मैं चिराग देसाई, आप देख रहे हैं कि हम एलडी में बैठे हैं अभी, देख सकते हैं यहाँ पे एमए और बीए सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मज़ा आता है पढ़ने लिखने का, यहाँ का एटमोसफियर अच्छा है, यहाँ के क्लासरूम अच्छे हैं, यहाँ पे कोई आपकी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई के लिए। बहुत बेहतरीन प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब बाहर से आ रहा है पीजी वगैरह है? हाँ, यहाँ पे नज़दीक में हॉस्टल भी रहते हैं, पीजी भी रहते हैं, तो कई लोगों को दिक्कत नहीं होती यहाँ पे रहने में। अच्छा है, कॉलेज के नज़दीक ही है पीजी और हॉस्टल से। और भाई ये पढ़ चुके हैं और मतलब इनको पूरा पता है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट अच्छा है, और इन्होंने मतलब पूरा कंप्लीट किया है अपना स्टडी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पे मेरा स्टडी मैंने कंप्लीट किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है स्टूडेंटों के लिए, बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई जिस बंदे को करनी हो यहाँ। और सर टीचर कैसे? सारे टीचर भी सबके नेचर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब पूरे ठीक भी है, अच्छे भी, अटेंडेंस भी यहाँ पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है अटेंडेंस के लिए। वो सही है भाई, वो तो होना चाहिए कॉलेज में, तो ठीक होना चाहिए यार। कोई एक सर टीचर आपके फेवरेट? मेरे एक मैम थे सरिता मैम करके, वो मेरे फेवरेट थे, हिंदी पढ़ाते थे। तो भाई हिंदी टीचर इसके फेवरेट थे। तो सरिता मैम आप देख रहे होंगे, तो आपका स्टूडेंट ब्लॉग में तो देख सकते हो आप हम लोग हैं। और भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कॉलेज की मतलब थोड़े बारे में क्या क्या है, तो आप बताना अगर आपको करना है तो। और कौन सी वीडियो चाहिए तो भी बता देना कमेंट में। तो अभी चिकू सर जाते हैं, थोड़ा और दिखाओ पूरा कॉलेज दिखाना। वो सेकंड फ्लोर से भाई ऐसा व्यू दिखता है अभी, मतलब इतना कुछ हो रहा नहीं है तो खाली है, नहीं तो भाई पूरा कैंपस भरा रह जाए। भाई चिकू मतलब चिराग इसका पेट नेम चिकू है। तो भाई उसकी बेंच आपको दिखाता हूँ मैं, ये उसकी बेंच है, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। अब देख सकते हो उसका नाम अभी तक लिखा हुआ है चिकू, आपको दिख रहा रहेगा कि नहीं पता नहीं, मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। देख सकते हो उसका नाम इधर दिख रहा है, चिकू दिख रहा है। लेकिन एक सेकेंड मेरा, तो भाई गजब है, कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद आ रहा है कॉलेज? बहुत जोरदार है, मन कर रहा है दूसरी बार आ जाए, दूसरी बार स्टार्ट कर दे कोर्स। हमारे लिए ये सबसे बेहतर है। वही यार, मुझे मेरी कॉलेज क्या लग रहा है लिख के, गजब यार। क्या कहना चाहते हैं? इन्फॉर्मेशन रहती है सब स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं सबको और यहाँ से बता देते हैं कि भाई ये वो है जो भी है कॉलेज के लिए। आप देख सकते हो ऑडिटोरियम में, मतलब ओपन ऑडिटोरियम बोल सकते हैं, जैसे मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी ब्लॉग में दिखाया था वो वाला। तो अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें, स्टे ट्यून्ड। ये रीडिंग एरिया है एलडी कॉलेज का, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सब रीड कर रहे हैं, मैं स्लो में बोल रहा हूँ। तो अगर आप आओगे, अगर आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी रहेगी तो रीडिंग एरिया में आप बैठ सकते हो और मस्त अपना स्टडी करो। तो भाई एलडी का कैंपस है, आप देख सकते हो फुल ग्रीन है, यहाँ पे मतलब बैठ के आप लाइक डिस्कस कर सकते हो अपने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह आ रहे हैं, जो भी असाइनमेंट हो। और एक क्लासरूम मैंने आपको ऊपर से दिखाए थे, वो देखते हो तो यहाँ पे शायद एग्जाम चालू है। वॉक करते करते अगर किसी को रीडिंग करना है तो वो भी रीडिंग कर सकते हैं। मस्त एटमॉस्फेयर अच्छा है, बहुत सही है, फुल ग्रीन है, आप देख सकते हो बारिश जैसा मौसम हो गया अभी।
मौसम बड़ा सुहाना है यार, बहुत दिनों बाद है, उसमें मौसम देखो काफी लगेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। काफी बेस्ट मौसम है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको और भी चीजें एलडी की। स्टेडियम एलडी का पूरा गार्डन है पीछे वाला, आप देख सकते हो। और ये अपना कॉलेज, तो ये बैक साइड में ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो गार्डन है पूरा पूरा के पूरा। तो दिखाता हूँ आपको अंदर से भी। तो भाई हम गार्डन में आ गए एलडी के, आप देख सकते हो मस्त। और यहाँ पे एलडी का लोगो जो भी बोल सकते हैं नेमिंग दिख रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट सब एग्जाम देने जा रहे हैं। यहाँ पे रीडिंग कर सकते हो, बैठ सकते हो, पैसा ही पैसा होगा। पूरा ग्रीनरी है। आप लोग यहाँ पे बैठते थे क्या? शिकु सर, हम लोग यहाँ पे बैठे, मेरा पूरा सर्कल यहाँ पे बैठे हुए हम लोग। तो आप देख सकते हो गजब का है। और पेड़ वगैरह भाई एकदम फुल ग्रीन है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो गार्डन में हम दोनों बीच में, आप देख सकते हो फुल सर्कल है, देख सकते हो आप। तो भाई कैंपस मुझे एलडी का बहुत ही मतलब बहुत ही सही लगा। पीछे का ग्रीनरी भी तुम लोग देख सकते हो, देखो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे, बहुत ही सही लग रहा है भाई, बहुत ही सही लग रहा है। अभी मौसम भी जोरदार है, बारिश आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। बारिश आने वाली भाई मेरे, अभी मेरे को 2 घंटे हो गए फिर भी यार एलडी का मतलब बोलने में यार कमी नहीं पड़ रहा है भाई, बहुत सारी चीजें बता रहा है मेरे को, आप देख सकते हो। और आपको कोई भी मतलब डाउट वगैरह रहेगा कमेंट में मार देना, ये आपके डाउट क्लियर कर देगा। गार्डन से ठीक 2 मिनट के अंतर पे बीआरटी स्टैंड है, जैसे कि कोई स्टूडेंट को बस से जाना है तो यहां से नजदीक से पीछे वाले गेट से भी जा सकते हैं। पीछे बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ पे आपको बस से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं पाएगी, सीधा तुमको गेट पे लाके छोड़ देगा। बाकी देखते हैं अभी और क्या देखने मिलता है एलडी में। तो भाई ये गोल पोस्ट है, अगर आप फुटबॉल वगैरह खेलते रहोगे भाई आपको पता रहेगा गोल पोस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो भाई बहुत मस्त सही है भाई, बहुत सही है फुटबॉल। बारिश आ रही है भाई, फुटबॉल का मूड हो गया भाई मेरे। तो अभी देखते हैं और क्या, अभी मैं देख रहा हूँ अगर कोई मतलब लोकल लोग रहे मतलब क्लास वाले रहे तो उनसे पूछता हूँ कॉलेज के बारे में थोड़ा, अगर उन लोग कॉपरेट किए तो। स्टेडियम एलडी कॉलेज के कोई स्टूडेंट मिले जो पास आउट हो चुके हैं, तो आपका नाम क्या है? दर्शित। दर्शित सर आपका? अमीशा। अमीशा आपका? आयुष। आयुष और आयुष तुमको तो जानते हो मेरे को लेके आए कॉलेज, तो आप पास आउट हो चुके हो? यस। क्या मार्कशीट लेने आए थे? हाँ। तो जो कोई नया बंदा मतलब जो एडमिशन लेने आना चाहता है यहाँ, उसको एलडी कॉलेज के बारे में क्या आप बता सकते हो कोई एक दो चीजें? आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ। जैसे कि इस कॉलेज का पहले से अच्छा नाम और ऑलरेडी हो चुका है, बाहर भी अच्छे मतलब कि इसके है क्रेडिट्स वगैरह। हाँ। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बुक अच्छे मिल रहेंगे, अगर आप एक अच्छे से मतलब कि आपको क्लासरूम्स में, यस आप अगर आप बाहर कोई स्टेट से आ रहे हैं तो आई थिंक सो ये आपके लिए अच्छा एक्सपोजर होगा। और यहाँ पे हॉस्टल वगैरह है? हाँ हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। तो भाई पॉजिटिव और स्पोर्ट्स वगैरह सब होता है आज तक? हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, सारे यूथ फेस्टिवल्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो आई थिंक सो आपको आना चाहिए। और अगर आपको वहाँ पे भी कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आपको वहाँ पे भी करना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अभी आप लोग का आगे का क्या प्लान है? किधर क्या टॉपिक है आपका? इकोनॉमिक्स। तो ऑल द बेस्ट उनके लिए। थैंक यू। तो अभी देखते हैं और चीजें भी दिखाता हूँ आपको। पहले ही बता रहा हूँ ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। एलडी कॉलेज कहाँ मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है, मैं कहाँ और एलडी कॉलेज कहाँ? अरे कहना क्या चाहते हो? मजा आ रहा है यहाँ पे, स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो भाई जो बोल रहे भाई दिल से बोल रहे ना हम लोग। सही। तो भाई देखते हैं अभी और क्या क्या है। स्टे ट्यून्ड। तो भाई जैसे चिकू भाई की प्रेडिक्शन, बारिश आ गई, हम लोग भीग गए भाई मेरे, बस डॉक्यूमेंट ना भीगे और फोन भाई साथ दे दे। लेकिन भाई मौसम देखो आप भाई, भाई देख लो भाई मेरे गजब है, ऐसा लग रहा है कि बाहर आए हो लंदन से। तो अभी देखते हैं चिकू भाई अभी क्या किधर जाने वाले? अभी हम जाएंगे हमारे फेवरेट चीज के पास, इसको बोलते हैं चाय। चल झूठा। भाई चाय, हम दोनों क्या है, दोनों चाय लवर है भाई मेरे। तो भाई चाय मिल गई, कॉफी तो ठीक है लेकिन भाई चाय मिल गई तो भाई हम खुश हो जाते भाई। चाय और राय मुफ्त में मिले तो ले लेगा भाई। तो अभी वहाँ पे ही जाते हैं। स्टेडियम।
no, no, this ain't love, no, no, this is artificial. तो भाई हम कॉलेज से बाहर आ गए पार्किंग में, अब देख सकते हो, और बारिश ने भाई हमको भिगा दिया. और ये चिराग भाई, तो अभी जाते घर, मिलते हैं अभी भाई. और कोई और नेक्स्ट जो कॉलेज की वीडियो चाहिए भाई कमेंट में करना, फिर वो कॉलेज की वीडियो आ जाएगी. तो तब तक के लिए जाते जाते बाय बाय.